हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 28 पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 में कम्युनिकेशन के बैरियर और हाउ टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर ये हम पढ़ चुके थे। तो ये भी कम्युनिकेशन के कंटिन्यूशन में चल रहा है टॉपिक आपका, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के टाइप्स, कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करते समय हमारे दो तरह के तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करते समय। दो तरीकों से या दो स्ट्रक्चर कह लो या दो लाइन ऑफ अथॉरिटी कह लो, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन करने के, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिसमें पहला है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसका मतलब यह है कि पहले ही जो प्री डिसाइडेड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है, जिसमें सबकी सबके बारे में बताया जाता है कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसे अथॉरिटी देगा, कौन किसे पावर देगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, जो पहले से ही फिक्स होता है कि मैनेजर के अंडर में कौन काम करेगा, सबॉर्डिनेट का मैनेजर कौन होगा, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जहाँ पर आपका ऑफिशियल चैनल डिजाइंड होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग, ऑफिशियली आप पहले से ही फिक्स होता है कि कौन अपनी बात किससे कहाँ तक करेगा, किस लेवल पे कौन किससे बातचीत करेगा, ये सब पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पे पहले से ही डिज़ाइन होता है ऑफिशियली। ऑफिशियली का मतलब सबको पहले से ही वो पता होता है कि कौन किससे बातचीत करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे हैं कि एक मैनेजर के चारों तरफ उसके सबॉर्डिनेट बैठे हुए हैं और वो आपस में किसी बात को लेकर, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर या किसी पॉलिसी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर और उसी डिपार्टमेंट के लोग ऑफिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट में अपनी डिपार्टमेंट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के एक ही डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी देखिए, एक मैनेजर अपने अपने चार सबॉर्डिनेट के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा है, उन्हें अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग कोई मैटर डिस्कस कर रहा है, कोई पॉलिसी या कोई भी इशू डिस्कस कर रहा है, तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ अ कम्युनिकेशन। फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा जहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं होता, कोई किसी भी बातचीत कर सकता है, हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में कहीं बात कर रहे हों, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ एम्प्लॉयज़ मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हों, तो बेसिकली सोशल नीड को पूरा करने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, जब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे कैंटीन एरिया में बैठे हुए लोग आपस में लंच टाइम में बातचीत करते हैं, या फिर कई बार कंपनी में कुछ फ्री टाइम मिल जाता है तो उस समय में जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल अनऑफिशियल बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब जहाँ पर आपका फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। जहाँ पर हम मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट के का मैनेजर है और उसके चार सबॉर्डिनेट हैं, तो उस पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट के जो सबॉर्डिनेट अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हो, तो वो हम क्या कहलाएगा, आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर वो ऑफिशियली अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर एक फ्री टाइम में या फिर एक कैंटीन एरिया में, लंच टाइम में, जैसे आप समझ लीजिए कि जब लोग आपस में फ्री होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए मैं आपको उसकी कुछ इमेज दिखाता हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, कुछ आपस में, कुछ एक आध मैनेजर बैठा हुआ है, कुछ सबॉर्डिनेट है जो आपस में मिलकर कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी इशू को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ये नोट डाउन जरूर करना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पर सिर्फ अनऑफिशियल बातें होंगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दौरान ऑफिशियल बातें भी हो सकती हैं, बट उसमें ये ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो डिसाइड किया गया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से बातचीत कर रहा है, या सबॉर्डिनेट आपस में, एक डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सबॉर्डिनेट आपस में मिलकर कोई डिस्कशन करते हैं या कोई बातचीत करते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, फॉर्मल जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है बातचीत करने का, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर देखिए, दो मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो ये आपका इनफॉर्मल हो गया।
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जहाँ पर आपका ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों बातें होती हैं इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल का मतलब आप ये मत समझना कि इनफॉर्मल मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो डिसाइडेड होता है वो फॉलो नहीं किया जाता। तो चलिए एक डिफरेंस देख लेते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल चैनल आर फॉलोड, फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल फॉलो किया जाता है। जो फॉर्मल चैनल का मतलब होता है जो चैनल पहले से डिसाइड होता है कि कौन किससे क्या बातचीत करेगा, कौन किसे ऑर्डर देगा, कौन किसे सवाल जवाब करेगा, कौन किसे काम दे सकता है, कौन अपनी बात किसे कह सकता है, वो पहले से डिसाइडेड होता है, वो फॉर्मल होता है। नो लाइन ऑफ अथॉरिटी इज़ फॉलोड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई लाइन नहीं होती, कोई किसी भी से बातचीत कर सकता है। हो सकता है कि दो इंटरकनेक्टेड जो डिपार्टमेंट हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हो, या बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो आपस में कभी जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो आपस में मैनेजर या उनके सबॉर्डिनेट बातचीत कर रहे हो। तो जहाँ पर नो लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पहले से डिसाइड नहीं होता, जब लोग आपस में चलते फिरते एक दूसरे से कैंटीन एरिया में या कॉरिडोर में या फिर कहीं भी कैसे भी बातचीत कर रहे हो ऑफिस कंपनी में ही रहकर, लेकिन बातचीत चाहे ऑफिशियल या अनऑफिशियल हो रही हो वो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं किया जा रहा है कम्युनिकेशन का। अगला है फॉर्मल जनरली इन राइटिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली राइटिंग में ही होता है। मतलब जो पहले से लिखा, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉलो किया जाता है वो पहले लिख लिया जाता है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन किससे क्या बातचीत करेगा, कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम को किससे शेयर करेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली उसको लिखा नहीं जाता कि कौन किससे बातचीत करेगा, बेसिकली ऑरली होता है। कोई कहीं भी किसी से बातचीत करने लग जाता है, कोई किसी से बातचीत कर सकता है, तो यहाँ पर कोई रिटर्न में पहले से नहीं लिखा जाता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरीके से फॉलो होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली ऑरल होता है, पहले से ही प्री डिसाइडेड नहीं होता। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पहले से फिक्स्ड होती है कि किसको कितनी अथॉरिटी मिलेगी, कौन अपनी अथॉरिटी को कैसे आगे डेलीगेट करेगा, कौन कितना काम किससे कैसे लेगा, वो सब पहले से ही कम्युनिकेशन के साथ साथ फिक्स होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन इज़ डिफ़िकल्टी। इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है या उसे बातचीत कर रहा है या उसे कोई काम दे रहा है, तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकता। सपोज़ कीजिए एक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर ने सेल्स डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को कोई काम दे दिया, तो वहाँ पर वो उसे काम दे सकता है, बातचीत कर सकता है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकता कि ये काम आपको मुझे करके देना पड़ेगा। वो एक हेल्पफुल मैनर में एक हेल्प लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्प ले सकता है, अपना काम करा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकता। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, ये जनरली अपने आप ही क्या कहते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि अननोइंगली, मतलब अननोइंगली आपका मैटर डिस्कस किए जाते हैं जिनके बारे में पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता। अगला है फॉर्म टू सर्व ऑर्गेनाइजेशन नीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा किया जा सके। लोग आपस में उतनी बातचीत करें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए ज़रूरी हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली बनाया जाता है पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे दो लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई डिस्कशन करना है, कोई एक दूसरे से हेल्प चाहिए, चाहे दो डिपार्टमेंट के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर्स करना चाहते हैं, तो बेसिकली सोशल जो फैक्टर होता है, सोशल नीड्स जो होती है उसको पूरा करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बनाया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। पहला पॉइंट है आपका मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी। जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा मैनेजर, कौन मैनेजर किसको काम देगा, किससे काम लेगा, ठीक है, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। तो उससे क्या होता है कि जब एक कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट से मैनेजर के पास या मैनेजर से सबॉर्डिनेट के पास कम्युनिकेशन होता है तो उसे अथॉरिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। अब यहाँ पर सबॉर्डिनेट जब मैनेजर से बात करेगा तो एक सबॉर्डिनेट के तौर पर बात करेगा, और मैनेजर जब सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा तो एक मैनेजर की तरह ऑर्डर देगा। वहाँ पर इनफॉर्मली होकर वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन रहता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि जब इनफॉर्मली सभी लोग आपस में मिलकर बात करते हैं तो ना तो वहाँ कोई सबॉर्डिनेट होता है, ना वहाँ कोई मैनेजर होता है, सभी लोग एक बराबर होते हैं। तो वहाँ पर कोई अथॉरिटी का फिक्सेशन नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अथॉरिटी मेंटेन रहती है, मैनेजर मैनेजर रहता है और
सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट की तरह बात करता है। दूसरा पॉइंट है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें सबॉर्डिनेट और मैनेजर जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो सिर्फ ऑफिशियल बातें करते हैं, वो ना तो कोई र्यूमर की बातें करते हैं ना कोई गॉसिप्स करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, ऑफिशियल होता है, मैटर टू मैटर डिस्कस करता है, क्लियर होता है, उसमें कोई फालतू की बातें या एक्स्ट्रा कोई मैटर या कोई कोई बाहर का कोई मैटर डिस्कस नहीं किया जाता, कोई कोई यूजलेस मैटर बातें नहीं होती। तो बिल्कुल क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर बात लिमिटेड की जाए, सामने वाले को भी पसंद आए, समझ आए और कहने वाले को भी लगे कि हमने जो आपस में बातचीत की है वो बिल्कुल कंप्लीट होके की है, बिल्कुल एक हेल्पफुल मैनर में की है। तीसरा है ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि पहले से ही लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स होता है कि कहाँ से कौन कैसे बातचीत करेगा। अब नीचे मान लीजिए वर्कर है तो वर्कर को बोला गया है कि आपने अपने सुपरवाइजर से बात करनी है, प्लांट सुपरिटेंडेंट से बात नहीं करनी। तो इसका मतलब प्लांट सुपरिटेंडेंट से बात करने के लिए वर्कर को पहले सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी, सुपरवाइजर वर्कर की बात प्लांट सुपरिटेंडेंट तक पहुँचाएगा जो लेवल बना हुआ है। इसका मतलब कोई भी खड़े होके उठ के किसी से भी बातचीत नहीं कर सकता, जो लाइन बनी हुई है उसी पे आपको ऑर्डरली फ्लो करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है आपका इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कौन सी बात किसके पास कहाँ से आई है ये बात आपको बिल्कुल आसानी से पता चल सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि प्लांट सुपरिटेंडेंट के पास एक लेटर आया है तो प्लांट सुपरिटेंडेंट को पता है कि मेरे पास जो लेटर आया होगा वो सुपरवाइजर से आया होगा, क्योंकि सुपरवाइजर के अलावा मुझे कोई लेटर दे ही नहीं सकता। मुझे लेटर देने का परमिशन सिर्फ, मुझे बात कहने का लेटर देने का जो सिर्फ परमिशन अथॉरिटी है वो सिर्फ सुपरवाइजर के पास है, वर्कर मेरे पास डायरेक्टली आ ही नहीं सकता। इसीलिए कहीं भी कोई भी बात जब ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन तो उसका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जो जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकली है, जहाँ से वो मैसेज चला है, उसका जो ओरिजिन होता है वो पता चल जाता है कि वो बात कहाँ से उठ के आई है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सभी लोग ग्रुप बना के आपस में बातचीत करते हैं तो उसका एक्चुअल सोर्स नहीं पता चल पाता कि कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने र्यूमर फैलाया है, कोई गलत बात डिस्क्लोज की है या कोई इधर उधर बातें किसी ने आपस में दूसरे के साथ किसी दूसरे की बातें की हैं, गलत बातों का शेयरिंग किया या नेगेटिव बातें ऑर्गेनाइजेशन में फैलाई हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो उसका सोर्स नहीं पता चल पाता एक्चुअली, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता चल पाता क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। चलिए अगला है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के, ये तो हो गए फायदे, अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली इट टुक्स टाइम, टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए कि एक वर्कर को अपनी बात फैक्ट्री मैनेजर तक पहुंचानी है और वर्कर और फैक्ट्री मैनेजर के बीच में टोटल चार लोग और हैं जिनसे वो बात निकलकर आगे तक जाएगी तो बहुत डिले हो जाएगा बात को पहुंचाने में। तो कई बार फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि जब बात एक व्यक्ति से निकलकर दूसरे पर्सन के पास जाती है तो बीच में लेवल ऑफ मैनेजर की होने की वजह से, लॉन्ग लेवल ऑफ मैनेजर की होने की वजह से बात धीरे धीरे पहुँचती है, टाइम लेती है। दूसरा है लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ ऑफिशियल बातें की जाती हैं, सिर्फ जो वो जो मैटर डिस्कस किए जाते हैं वो मैटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होते हैं और इसमें कोई भी एक सोशल फैक्टर नहीं होता। आपस में लोग एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ व्यूज़ शेयर नहीं कर सकते, ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते। अगला है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जब फॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए बातें करी जाती हैं, जब एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब आपको लगता है कि भाई आपकी बात को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा तो उससे क्या होता है कि जब वो बात आपकी तरफ से निकलती है और एक के बाद लोगों से निकलते हुए, जैसे मान लीजिए कि वर्कर को अपनी बात मैनेजर को बोलनी है, अब वर्कर से ऊपर पहले सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर सुपरिटेंडेंट है, फिर आपका प्लांट हेड है, उसके बाद एक दो लोग और हैं, तो इससे क्या होगा मैसेज धीरे धीरे जब एक के बाद दूसरे लोगों से पास आउट होता जाएगा ना तो वो मैसेज डिस्टॉर्ट होता चला जाएगा, मतलब वो मैसेज का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसमें कंटेंट है वो टूटता चला जाएगा, वो बात पूरी नहीं पहुंचेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज में, इनेबल इम्प्लॉयज़ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग देम। इससे क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उनका आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ ऑफिशियल अनऑफिशियल पर्सनल मैटर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस अपने और किसी अपने ही डिपार्टमेंट नहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ से भी बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रोक टोक के आप आसानी से किसी से बातचीत कर सकते हैं, तो एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहता है, आपस में एक दूसरे के साथ व्यू शेयर कर सकते हैं।
दूसरा है इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। यहाँ पर अगर आपको किसी को अपनी राय देनी है, किसी को सजेशन देना है या किसी से सजेशन लेना है, तो यहाँ पर आसानी से एक दूसरे के साथ आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो, किसी से सलाह ले भी सकते हो, ठीक है। तो आप आसानी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो आपका मैसेज देना होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्कर को अपनी बात प्लांट सुपरिटेंडेंट को ना बताकर, अपने सुपीरियर को ना बताकर, उससे ऊपर जो सुपीरियर है, सपोज़ कीजिए आपका जो फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, वर्कर को अपनी बात प्लांट सुपरिटेंडेंट को ना बताकर फैक्ट्री मैनेजर को बतानी है और वो बात जल्दी बतानी है ताकि जो फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल वे में वो क्या करेगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट की बजाय वो सीधा फैक्ट्री मैनेजर को जाके बात बता देगा वर्कर, और उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव का मतलब जो बात ज़रूरी है जल्दी कहना और मैनेजर के पास वो बात पहुंचना ज़रूरी है, तो इनफॉर्मल के ज़रिए वो बात जल्दी मैनेजर के पास पहुंच जाएगी बिना फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किए हुए। तो उस बात की जो रेलिवेंसी है वो बनी रहेगी क्योंकि आपने सही समय पर अपनी बात मैनेजर तक पहुंचा दी। दूसरा है सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ द वर्कर। वर्कर्स को अपनी कुछ ग्रेवियंसीज होती हैं, कुछ काम करते समय प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपनी ग्रेवियंसीज को या अपने वर्किंग एनवायरनमेंट जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको काम करते समय उनको एक्सेसरीज नहीं मिल पाती या काम करते समय प्रोटेक्शन किट नहीं मिल पाती या आपस में वर्कर एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं बता सकते, तो इनफॉर्मल ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें वर्कर्स हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए आपस में एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी कैसे भी फ्लो करता रहता है, कोई किसी से भी बातचीत कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑल इन ऑल डायरेक्शन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज, चाहे वो टॉप आपका बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम हो, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है आसानी से। उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि उस डिपार्टमेंट में ये काम चल रहा है या उस डिपार्टमेंट का ये काम पूरा नहीं हुआ। अब उसमें क्या होता है कि जो बातें होती हैं वो कई बार पूरी नहीं होती लोगों के पास और फिर भी उन बातों पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। अब मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन पता नहीं होता कि प्रॉब्लम रियलिटी में है क्या, फिर भी आप डिस्कस करने लग जाते हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो बातचीत चलती है वो इनकम्प्लीट होती है और इनएक्यूरेट होती है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड डिफिकल्ट टू ट्रेस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेगेटिव बात चली है या ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने भी कोई र्यूमर फैलाया है, कोई गलत बात फैलाई है कि कंपनी डूबने वाली है या कंपनी में प्रोडक्शन कम चल रहा है या कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो बात किसने कहाँ से शुरू की है उस बात को ट्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स होते हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ बहुत स्प्रेडली बहुत फास्टली शेयर करते हैं। तो उसकी जो ऑथेंसिटी मतलब वो कहाँ से ओरिजिन है, वो कहाँ से किसने वो बात कही है, उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगला पॉइंट है। इसमें यह होता है कि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए हम बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बातचीत करते समय इनफॉर्मल में ये नहीं देखा जाता कि कौन मैनेजर है और कौन सबॉर्डिनेट है। उसमें बस क्या होता है कि सारे लोग मिलजुल कर आपस में कहीं गैदरिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे आर नॉट द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो वहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक कैंटीन एरिया में एक मैनेजर ने एक सबॉर्डिनेट को काम दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा काम आप करके दे देना, है वो सबॉर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आपने मुझे ये काम दिया मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो वहाँ पर अब क्या है कि इनफॉर्मली आपस में बातचीत करते हुए आप उससे अपने काम की बातें कर रहे हो या उसको कोई काम दे रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर अगर वो कल को आपका काम नहीं करता है दूसरे डिपार्टमेंट का सबॉर्डिनेट, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते कि भाई मैंने आपको बोला था, क्योंकि आपने उसको इनफॉर्मली काम दिया था, फॉर्मल काम नहीं दिया था। फॉर्मल होता तो वो आपके डिपार्टमेंट का होता, दूसरे डिपार्टमेंट का ना होता। तो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई को आपने इनफॉर्मली एक छोटा सा काम दे दिया, तो वहाँ पर इनफॉर्मली जब आपने उसको काम दिया तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मली लोग बैठे होते हैं कैंटीन एरिया में या फिर गार्डन में या फिर कहीं भी मीटिंग में बैठे होते हैं, जब आपस में एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो कई बार मैनेजर्स या कई बार डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट अपने डिपार्टमेंट की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जो उनको खुद अपने पास संभाल के रखनी होती हैं दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं हंसी मजाक में। तो बातों ही बातों में जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर
शेयर कर लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देती है। अब जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक सबॉर्डिनेट ने ये बता दिया कि कंपनी में आगे आने वाले 3 महीनों में फंड की प्रॉब्लम आने वाली है, तो उससे जब ये बात कंपनी के एम्प्लॉई को पता चली तो एम्प्लॉई नौकरी छोड़ छोड़ कर जाने लग गए। अब ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो जिससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर की प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये बड़ा नुकसान होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं वो लीक होने शुरू हो जाते हैं। अगला है इन्फॉर्मेशन में भी डिस्टॉर्टेड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब आप इनफॉर्मली किसी के साथ मैसेज शेयर करते हो, अब जैसे मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट के मैनेजर ने किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को बोला कि भाई मेरी ये वाली बात आप उस वाले मैनेजर को जाके बोल दो, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट का जो सबॉर्डिनेट होगा ना वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपका मैसेज तो ले लेगा लेकिन आपकी बात को केयरफुली नहीं सुनेगा, मैसेज ले लेगा, रास्ते में जाते जाते वो आपकी बात को याद रखेगा, थोड़ा भूल जाएगा, हो सकता है वो मैसेज आपकी बात को ढंग से ना पहुंचाए क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है। तो इसीलिए इनफॉर्मली जब हम कम्युनिकेट करते हैं और किसी को हम कोई बात कहते हैं और वो बात जब आगे तक किसी को पहुंचानी होती है तो वो मैसेज एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है क्योंकि उसको एक फॉर्मल वे में मैसेज नहीं दिया गया था, इनफॉर्मली मैसेज दिया गया था। तो इनफॉर्मली मैसेज जब किसी से ट्रांसमिट किया जाता है, किसी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास इनफॉर्मली जब मैसेज भेजा जाता है तो उस मैसेज के टूटने के, उस मैसेज के कंटेंट के ख़त्म होने के या उस मैसेज के कंटेंट की रेलिवेंसी के मेंटेन रहने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए ये हमने पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो अलग अलग फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसके अलग अलग ट्रेंड है कम्युनिकेशन का, जो फ्लो होता है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फ्लो करता है तो एक वर्टिकल फ्लो करता है और एक हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, या तो मैनेजर से सबॉर्डिनेट बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेंगे, या मैनेजर से सबॉर्डिनेट बातचीत करेगा या सबॉर्डिनेट मैनेजर से बातचीत करेगा, मतलब सीनियर सुपीरियर सबॉर्डिनेट से और सबॉर्डिनेट सुपीरियर से, तो वो होता है आपका वर्टिकल। जैसे मान लीजिए वर्टिकल में दो होते हैं अपवर्ड का मतलब ये होता है कि बॉटम टू टॉप, मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट अपनी बात मैनेजर को बोल रहा है, जैसा कि कैसे बोल सकता है, मान लीजिए कि सबॉर्डिनेट ने मैनेजर को बोला कि भाई मुझे एक दिन की या दो दिन की छुट्टी चाहिए, वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है सबॉर्डिनेट मैनेजर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, फॉर्मल अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैनेजर सबॉर्डिनेट को अपना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैनेजर सबॉर्डिनेट को कोई नोटिस दे रहा है कि भाई ये काम है, या नोटिस दे रहा है कि कल हमारी मीटिंग है, कल मीटिंग में आपने अटेंड होना है, तो वहाँ पर मैनेजर सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो होगा फॉर्मल वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक हो गया आपका वर्टिकल। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे। अगर मान लीजिए दो डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो जब डिपार्टमेंटल मैनेजर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल का तो हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया इंटर डिपार्टमेंटल, जब दो डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, कंपनी के मैटर पर डिस्कस करने के लिए, या कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एज सच कोई टाइप नहीं होता क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में राइट लेफ्ट टॉप बॉटम डायगनल किसी भी तरीके से फ्लो करता है, वो उसका कोई ओरिजिन नहीं होता, कोई ऑथेंसिटी नहीं होती, कोई भी कहीं भी कैसे भी बातचीत कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो एक ही डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट आपस में कहीं बातचीत कर रहे हो या इंटर डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट आपस में बातचीत कर रहे हो, वर्कर सुपरवाइजर से बात कर रहा हो, मतलब इसका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो हर डायरेक्शन में होता है, उसका कोई प्रॉपर कोई चैनल नहीं होता, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। और बेसिकली इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड होती हैं, सोशल कनेक्शन होता है, सोसाइटी सोशल जो व्यूज़ होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने होते हैं, ग्रेवियंसीज हो गए या फीलिंग्स हो गई, उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके आज का टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका हमने आज डिफरेंस पढ़ा फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में, और फॉर्मल इनफॉर्मल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।